हाय एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो पे। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले ATE Pro 2 Zone PA Power Amplifier के बारे में, जो कि आप लोगों का बहुत सारा ऐसा कमेंट आ रहा था कि 2 Zone Amplifier के बारे में बताइए ताकि हमारे लिए वो Amplifier बेस्ट हो। तो गाइस यार, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेकर आ गया हूँ ATE Pro का 2 जोन का एम्पलीफायर, जो कि 2000 वाटेज का एम्पलीफायर है, जो कि आप लोग को 2 जोन में देखने को मिल जाएगा। तो गाइस यार, इस एम्पलीफायर के बारे में इस वीडियो में फुल डिटेल, फुल स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि इस वाले एम्पलीफायर पे कितने हैवी वाटेज का टॉप चला सकते हैं, कितना इस पे हैवी वाटेज का बेस चलेगा या नहीं चलेगा, सब कुछ आप लोग को इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे। साथ ही गाइस, इस एम्पलीफायर पे कैसे आप लोग को टॉप का कनेक्शन करना है, कैसे इसको ऑपरेट करना है, सब कुछ आप लोग को बताएंगे। साथ ही गाइस, इस एम्पलीफायर का प्राइस भी बताएंगे कि आपके मार्केट में इस एम्पलीफायर का कितना प्राइस देखने को मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं PSTJ ब्लॉग नंबर 1। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो जब भी हम अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सिंपली गाइस, यहाँ पर हम बात करने वाले ATE Pro PA 2 Zone Power Amplifier के बारे में, जिसका मॉडल नंबर आप लोग को ATE2K2 देखने को मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, हम बात करते हैं इस एम्पलीफायर के फ्रंट पैनल के बारे में, किसके फ्रंट पैनल पर हमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाता है। तो गाइस, इसके फ्रंट पैनल पे आप लोग को कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत सारे यहाँ पर आप लोग को वॉल्यूम नॉब देखने को मिल जाता है। तो गाइस, यहाँ पर आप लोग को जोन 1 और जोन 2 देखने को मिलेगा। जोन 1 के लिए अलग यहाँ पर वॉल्यूम नॉब देखने को मिलेगा और जोन 2 के लिए अलग वॉल्यूम नॉब देखने को मिलेगा, जो कि तीनों वॉल्यूम नॉब में आप लोग को ट्रेबल कंट्रोल के लिए, बेस कंट्रोल के लिए और यहाँ पर मास्टर कंट्रोल के लिए यहाँ पर वॉल्यूम नॉब देखने को मिल जाएगा। गाइस, यहाँ पर आप लोग को ओवर प्रोटेक्शन और गाइस यहाँ पर ओवरलोड और क्लिप के लिए यहाँ पर बत्ती देखने को मिलेगा, और गाइस यहाँ पर आप लोग को दोनों जोन के लिए यहाँ पर लाइट इंडिकेटर भी देखने को मिलेगा। गाइस, उसके नीचे यहाँ पर एक पावर ऑन ऑफ का स्विच देखने को मिलेगा। जैसे ही स्विच को प्रेस कीजिएगा तो गाइस यहाँ पर दोनों जोन में आपका पावर आना चालू हो जाएगा। अगर गाइस केवल आप लोग एक ही जोन में सिग्नल देकर दोनों जोन को चलाना चाहते हैं तो यहाँ पर सिलेक्शन स्विच दिया गया है। जैसे ही स्विच को मोनो पे कर दीजिएगा तो एक जोन में केवल सिग्नल दीजिएगा तो दोनों जोन आपका काम करेगा। गाइस, यहां पर आप लोग को हरन सिलेक्शन के लिए यहां पर स्विच दिया गया है और बॉक्स सिलेक्शन के लिए भी स्विच आप लोग को देखने को मिल जाता है। गाइस, इसके आप लोग को ढक्कन पे ATE Pro का ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी बेस्ट है, ओरिजिनलिटी का पहचान दिलाता है, जो कि आप लोग को दोनों साइड में ATE Pro का फ्रंट पैनल पर भी देखने को लोगो मिल जाएगा। गाइस, यहां पर आप लोग को इसमें एयर वेंटिलेशन के लिए यहां पर दो आप लोग को फैन देखने को मिल जाएगा, जो कि फ्रंट पर ही आप लोग को फैन देखने को मिल जाएगा, जो कि फैन काफी अच्छी तरह से इस एम्पलीफायर को कूलिंग करता है, ताकि आपका एम्पलीफायर हीट प्रोटेक्शन न जाए और आपका एम्पलीफायर लॉन्ग टाइम तक चल सके। चलिए गाइस, अब हम बात करते हैं इस एम्पलीफायर के पावर आउटपुट के बारे में, कि पर जोन पे कितना पावर आउटपुट निकाल कर देगा। तो गाइस, यहाँ पर इसका 2 ओम पे पावर आउटपुट आप लोग को एक जोन पे 1000 वाटेज देखने को मिल जाएगा। ऐसे दोस्तों, पूरा एम्पलीफायर ये 2000 वाटेज का है, बट यहाँ पर कंपनी बोलती है कि मैक्सिमम पावर ये 2200 वाटेज निकाल कर दे देगा, यानी जोन ए पे 1100 वाटेज निकाल कर दे देगा और जोन बी पर भी 1100 वाटेज निकाल कर दे देगा। तो ये 2 जोन वाला एम्पलीफायर है, जिसके अंदर आप लोग को यहाँ पर 2200 वाटेज निकाल कर दे देगा। इसके फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के बारे में बात करेंगे तो इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस आप लोग को 50 से 15000 हर्ट्ज देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी ये बेस्ट है आप लोग को टॉप चलाने के लिए, काफ़ी इसके द्वारा लाउडनेस आवाज़ आप लोग को सुनने को मिल जाएगा। बात करेंगे इसके पावर सप्लाई के बारे में, कि इसके अंदर एसी का कितना करंट हमें देने पर ये एम्पलीफायर वर्क इजीली अच्छी तरह से करेगा। तो गाइस, इसके अंदर आप लोग को पावर सप्लाई 230 वोल्ट से 240 वोल्ट के अंदर देना होगा। इससे ज़्यादा पावर इसके अंदर दीजिएगा तो आपका एम्पलीफायर में कोई प्रॉब्लम होने का चांस हो सकता है। गाइस, अब हम बात करेंगे कि इस वाले एम्पलीफायर पे कितना हमें टॉप चलेगा, कैसे इसको लोड कैलकुलेशन करना है। तो गाइस, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर एक जोन पे चलाने के लिए। तो गाइस, यहाँ पर एक जोन पे मेरा जो एम्पलीफायर है दे रहा है 1000 वाटेज मैक्सिमम। यहाँ पे कंपनी बोलती है कि 1100 वाटेज तक लोड डाल सकते हैं, बट गाइस आप लोग इस पे एक जोन पे 1500 वाटेज तक लोड डाल सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा, इजीली अच्छी तरीके से चलेगा। तो गाइस, अगर आपके पास 500 या 600 वाटेज का टॉप है, अगर वो टॉप का इम्पीडेंस 4 ओम है, तो आप लोग एक जोन पे दो टॉप को चला सकते हैं और दूसरे जोन पर भी दो टॉप चला सकते हैं। तो इजीली आप लोग को ये 2 ओम लोड पे इस वाले एम्पलीफायर पे 4 टॉप चला सकते हैं, जो कि 500 और 600 वाटेज तक इस पे टॉप
चला सकते हैं, 15 इंची का चल जाएगा, 12 इंची का भी चल जाएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप लोग इसे लाइव प्रोग्राम के लिए लेना चाहते हैं तो ये लाइव प्रोग्राम के लिए काफ़ी बेस्ट क्वालिटी का एम्पलीफायर है, क्योंकि अगर आप लोग इस पर दो ही टॉप चलाए तो 900 वाटेज या 1000 वाटेज का भी एक जोन पे एक टॉप और दूसरे जोन पे दूसरा टॉप चला सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, जो कि 4 ओम इंपेडेंस पे चलेगा। तो लाइव प्रोग्राम में काफ़ी आप लोग को बेटर यह साउंड क्वालिटी निकाल कर दे देगा, क्योंकि ये 88 प्रो का ब्रांडिंग का ये एम्पलीफायर है, काफ़ी मार्केट में इसका नाम है, काफ़ी ये बेटर क्वालिटी निकाल कर देता है। तो गाइस ये PA एम्पलीफायर है, तो इसके अंदर आप लोग को वोकल ज़्यादा निकल कर आएगा और लाइव प्रोग्राम में ज़्यादा वोकल का ही डिमांड रहता है और मधुर आवाज़ वहाँ पर सुनने को मिल जाएगा। तो गाइस इस टाइप से आप लोग इस वाले एम्पलीफायर पर लोड डाल सकते हैं। चलिए गाइस हम बात करते हैं कि इस एम्पलीफायर पे बेस चलेगा या नहीं चलेगा। तो गाइस इस एम्पलीफायर पे बेस हेवी वाटेज का बिल्कुल ही नहीं चलेगा, चलेगा तो आप लोग 600 या आप लोग 700 वाटेज का इस पे बेस चला सकते हैं, जो कि एक औजा का 650 वाटेज का बेस आता है, जो कि 18 इंची में देखने को मिल जाता है। तो आप लोग उस टाइप के बेस आप लोग एक जोन पे एक बेस और दूसरे जोन पे दूसरा बेस लगा सकते हैं, इजीली चलेगा, पंच भी मिलेगा और वाइब्रेशन भी मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन गाइस अगर आप लोग इस पे चाहेंगे कि 1000 वाटेज और 1200 वाटेज का हम इस पे बेस चलाएं, तो गाइस यहाँ पर आप लोग का बेस वो नहीं चलेगा, इस पे आप लोग चला सकते हैं तो 650 वाटेज का बेस चला सकते हैं। तो आप लोग इस पे 600 या 500 वाटेज का 12 इंची या 15 इंची का चार टॉप चला सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप लोग इस पे दो टॉप हेवी वाटेज का चलाना चाहते हैं तो 9 से 1000 वाटेज का टॉप चला सकते हैं, जो कि दो टॉप चलेगा, 15 इंची का काफ़ी आप लोग को लाउडनेस आवाज़ निकाल कर देगा, जो कि जोन ए पर और जोन बी पर चला सकते हैं। तो गाइस अगर आप लोग टू जोन में एक एम्पलीफायर बेहतरीन क्वालिटी का लेना चाहते हैं तो आप लोग 88 प्रो के तरफ जा सकते हैं, जो कि आप लोग को डीलर से कॉन्टेक्ट करके आप लोग इस वाले एम्पलीफायर को ले सकते हैं, जो कि ये PA एम्पलीफायर है, ज़्यादा इसमें आप लोग को वोकल देखने को मिलेगा, तो लाइव प्रोग्राम में काफ़ी ये बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाला है। चलिए गाइस अब हम बात करते हैं इस एम्पलीफायर के प्राइस के बारे में। तो गाइस यहाँ पर आप लोग को बता दूं कि 88 का जो भी ब्रांड होता है उसका प्राइस मार्केट में लीक नहीं होता है। तो गाइस इसका प्राइस हमें भी नहीं पता है कि इसका प्राइस कंपनी कितना रखी है। अगर गाइस आप लोग के पास नज़दीकी कोई डीलर होंगे इसका, तो वहीं आप लोग को इसका प्राइस एक्चुअलेट बता सकते हैं कि इसका प्राइस अभी इतना है। बट गाइस यहाँ पर आप लोग को थोड़ा अप्रोक्स प्राइस हम बता सकते हैं कि ये इतने प्राइस रेंज में ये एम्पलीफायर आ जाएगा। तो गाइस यार इस एम्पलीफायर का अप्रोक्स प्राइस आप लोग को 28,000 के 32,000 के बीच में होना चाहिए, इतने प्राइस रेंज में ये एम्पलीफायर काफ़ी बेस्ट क्वालिटी का है। हो सकता है कि जितना हम प्राइस बताएं उतने प्राइस रेंज में आपके मार्केट में कम में भी मिल जाए और बेसी में भी मिल जाए, तो वो डीलर के पास जाने पर ही आप लोग को कंफर्म होगा। बट गाइस ये टू जोन का 88 प्रो का एम्पलीफायर है, जो कि PA एम्पलीफायर है और काफ़ी ये लॉन्ग टाइम तक चलने वाला एम्पलीफायर है, ये पैसा वसूल एम्पलीफायर है, कभी भी ये फील्ड में धोखा नहीं देगा। तो गाइस अगर आप लोग हेवी वाटेज का दो टॉप चलाने के लिए टू जोन एम्पलीफायर लेना चाहते हैं तो इजीली आप लोग इस एम्पलीफायर को ले सकते हैं, या आप लोग एक जोन पे हॉर्न या एक जोन पे टॉप चलाने के लिए लेना चाहते हैं तो आप लोग इस वाले एम्पलीफायर की तरफ जा सकते हैं, जो कि औजा से ये काफ़ी कम लो प्राइस में आता है और काफ़ी आप लोग को साउंड क्वालिटी नंबर वन ये निकाल कर देगा। तो गाइस ये काफ़ी नंबर वन क्वालिटी का एम्पलीफायर है, आप लोग इसे ले सकते हैं। दोस्तों आई होप कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो जब भी हम अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों अगर आपके भी मन में साउंड सिस्टम से रिलेटिव कोई भी सवाल है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर अगले वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।